हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया पहुंची रेवाड़ी। कोसली और रेवाड़ी स्लैम एरिया में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग मानव तस्करी जागरूकता कार्यक्रम में शिरकत की। कहा, जागरूकता से ही मानव तस्करी और बाल अपराधों पर लगेगी रोक। हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया बुधवार को रेवाड़ी पहुंची। रेवाड़ी शहर के मॉडल टाउन थाना क्षेत्र स्लम एरिया और कोसली स्थित स्लम बस्ती में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट रेवाड़ी के सहयोग से मानव तस्करी के बारे में लोगों व बच्चों को जागरूक करने के लिए आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जागरूकता से ही मानव तस्करी और बाल अपराधों पर रोक लगेगी। उन्होंने मानव तस्करी के बारे में लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि मानव तस्करी गैरकानूनी है और संगीन अपराध की श्रेणी में आता है। इस प्रकार के अपराध को रोकने के लिए हम सभी को जागरूक होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मानव तस्करी संगीन अपराध है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार व हरियाणा राज्य महिला आयोग द्वारा इस अपराध को खत्म करने के लिए स्लम बस्ती क्षेत्र में मानव तस्करी के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता महिलाओं को मानव तस्करी व बाल अपराध बारे जागरूक करें। अभिभावकों को चाहिए कि वे अपने बच्चों की पल पल की खबर रखें और उनकी मॉनिटरिंग करें। उनकी हर गतिविधियों पर नज़र रखें कि वह कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, क्या कर रहा है। इस अवसर पर CDPO सुमन यादव, जिला बाल संरक्षण अधिकारी दीपिका यादव, प्रोटेक्शन ऑफिसर करुणा व कविता सहित अन्य क्षेत्र के लोग उपस्थित रहे। चेयरपर्सन भाटिया ने कहा कि सरकार की ओर से सभी जिलों में महिला थाने स्थापित किए हुए हैं। यदि किसी बच्ची या महिला के साथ किसी भी प्रकार से शोषण या उत्पीड़न किया जाता है तो पीड़िता अपनी शिकायत महिला थाना में दर्ज करवा सकती है। यदि महिला थाना में शिकायत पर कार्यवाही नहीं की जाती है तो हरियाणा महिला आयोग उस पर संज्ञान लेगा और कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने इस दौरान महिलाओं से मुलाकात करते हुए कहा कि यदि किसी भी महिला के साथ किसी भी प्रकार शोषण होता तो वह शोषण के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करें। उन्होंने महिलाओं को कानूनी जानकारियां देते हुए बताया कि यदि किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा या कुछ गलत होता है तो उसको नज़रअंदाज ना करें। आप अपनी शिकायत महिला थाना में दर्ज कराएं। सरकार की तरफ से पीड़िता को निःशुल्क वकील उपलब्ध कराया जाता है ताकि वह अपना केस लड़ सके। रेनू भाटिया ने कहा कि मंदबुद्धि बच्चों, महिलाओं व व्यक्तियों को बंधक बनाकर अपना घरेलू कार्य करवाने, किसी ढाबा या होटल पर या किसी खेत या ढाणी में बंधक बनाकर काम करवाना, बच्चों व बड़ों को लाकर बेचना, नाबालिग लड़कियों व महिलाओं की हरियाणा या अन्य राज्यों से खरीद फरोख्त करना व प्रलोभन देकर शादी करवाना व तस्करी करना, उनका शारीरिक शोषण करना, भीख मंगवाना, किसी व्यक्ति से अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य करवाना, ये सब गैर कानूनी है। यदि आपको कोई मंदबुद्धि व्यक्ति लावारिस हालात में मिलते हैं तो इस प्रकार की कोई भी सूचना आपको मिलती है तो आप तुरंत इसकी जानकारी हेल्पलाइन की पहचान गुप्त रखी जाएगी। जागरूकता कार्यक्रम में रश्मि यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आपके बच्चे स्कूल, कॉलेज या रिश्तेदार के घर से आते हैं तो उनसे पूछें कि वहां का माहौल कैसा है। अपने बच्चों को सबसे पहले गुड टच और बैड टच के बारे में समझाएं। यदि किसी लड़की के साथ गलत होता है तो सबसे पहले वह इसकी शिकायत बिना किसी डर के महिला थाना में करें। दुर्गा शक्ति ऐप के बारे में बताते हुए कहा कि यदि आप किसी मुसीबत में हैं तो आप दुर्गा शक्ति ऐप के माध्यम से मैसेज करें और समस्या बताएं ताकि पुलिस तुरंत आपके पास पहुँच सके। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर 1091 जारी किया हुआ है। इसके अलावा हरियाणा पुलिस का डायल 112 नंबर नागरिकों की सहायता के लिए उपलब्ध है। सभी से अनुरोध है कि यदि उन्हें समाज में महिला विरुद्ध या किसी भी अन्य प्रकार का अपराध होते हुए दिखाई दे तो उक्त नंबरों पर फ़ोन करके पुलिस को इसके बारे में तुरंत सूचना दें। पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। रेवाड़ी का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण दौरा था। हमने अपने विमेन कमीशन के सेकंड दौर में एक दौर हमने सभी ज़िलों में जाकर कंप्लीट किया है पिछले 1.5 वर्ष में, और अगले 1.5 वर्ष में हम ये दूसरा दौर स्टार्ट कर रहे हैं आज से, जिसमें रेवाड़ी का नंबर आज पहला आया। गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज कोसली हम गए थे सबसे पहले, जहाँ पर हम साइबर क्राइम, हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस,
हरासमेंट एट स्कूल कॉलेजेस, और इसके अलावा लीगल सेल हमारा जो है वो जानकारी देता है बच्चियों को कि उनके अधिकार क्या हैं, उनके साथ अगर कुछ गलत होता है, व्यवहार गलत होता है तो कैसे कॉन्टैक्ट करना है, और साइबर क्राइम में आजकल यूथ कैसे फंस रहा है, उससे कैसे निकलना है, बचना कैसे है, ये सारी हम जानकारी देते हैं। इसी वजह से हम गवर्नमेंट कॉलेज गए, और यहाँ पर हमने ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कार्यक्रम, ये पूरे हरियाणा में सीरीज़ चल रही है जिसका कि आज शायद 15वां या 16वां ज़िला था उस नाते से जिसमें हम आए हैं। आज यहाँ पर हम किसी ना किसी झुग्गी क्लस्टर में, भट्टा कॉम्प्लेक्स में, या कोई ऐसी कॉलोनी में जहाँ स्लम एरिया होता है, कोई ऐसी कॉलोनी जहाँ ऐसे नौकरी पेशा लोग रहते हैं जो दोनों माता पिता काम पे जाते हैं, ऐसा स्थान हम चुनते हैं और अधिकारियों के साथ आकर उनको ह्यूमन ट्रैफिकिंग किस किस तरह की होती है, किस किस एज की होती है, किस किस जेंडर की होती है, क्योंकि नॉर्मली जब हम ह्यूमन ट्रैफिक बोलते हैं तो केवल बेटियों की एक शक्ल बन जाती है, लेकिन ये सभी जेंडर्स के साथ है, मेल फीमेल ट्रांस सबके साथ है। आज हमारे साथ एक ट्रांसजेंडर महिला आने वाली थी, धनंजय चौहान, अनफॉर्चुनेटली उनको फीवर हो गया, वो इस बारे में बताना चाह रही थी। तो ये हमारी जो दो सीरीज़ अलग अलग तरह की हर ज़िले में जाएगी ताकि हम हर ज़िले के लोगों को, कॉलेजेस को, बच्चों को जागरूक कर सकें। मिसिंग लेकिन वो चीज़ें होती ही नहीं जी, अगर उसके लिए हमने एक छोटा सा सिस्टम बनाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आने वाले दिनों में हम सफल होंगे कि जहाँ पर भी कोई केस रजिस्टर होता है, हमें ये वेट नहीं करनी कि वो कौन से ज़िले के थे। अगर वो हरियाणा का केस है या रेवाड़ी में अगर मान लीजिए कोई ऐसा हुआ है, ट्रैपिंग हुई है, तो हम ये वेट नहीं करेंगे जी कहाँ के रहने वाले थे, यूपी में, वहाँ जाकर रजिस्टर कराओ। रैंडमली वो यही रजिस्टर होगा, उसके बाद तहकीकात और जानकारियाँ ली जाएंगी कि कहाँ कहाँ तक उस बच्चे को ले जाया जा सकता है या कौन इस तरह से कर सकता है। हमारे पास इस पिछले 2 वर्षों में जितने भी केस आए हमने उन पर स्टडी किया और हमने ये देखा कि 60% केसेस रिश्तेदार कर रहे हैं, ट्रैपिंग भी रिश्तेदार करवा रहे हैं, अनफॉर्चुनेट उनके साथ रवैया भी रिश्तेदार कर रहे हैं। इसीलिए हम बार बार जाकर ऐसे क्लस्टर को ज़्यादा बोलते हैं कि रिश्तेदारी में ध्यान करो, क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी एक केस सुनाया कि दूर के ममेरे फुफेरे भाई का साले का बेटा आकर रिश्तेदारी में इस तरह से कर जाता है, जबकि जिनके घर वो आया है वो उनको जानते ही नहीं, दूर तक नहीं जानते, जस्ट बिकॉज सास ने फ़ोन कर दिया, इसलिए वो वाली बात रखनी है कि गाँव से आ रहा है। तो ये हमें बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा कि क्या पता वो वही व्यक्ति गांव से आया है या कोई रिश्तेदारी का है, अब जब उनकी बेटी के साथ दुर्व्यवहार कर गया, अब क्या वो सास जिम्मेदार है या वो रिश्तेदार जिम्मेदार है जिनका वो आया है। तो ये बहुत सोचने की बात है, इसीलिए जागरूकता जरूरी है, लेकिन जागरूकता उतनी हो नहीं रही, क्योंकि अगर आंगनबाड़ी वर्कर्स की बात करें, आशा जो वर्कर्स हैं उनकी बात करें, गाँव स्तर पर किसी भी तरह की इस तरह की अवेयरनेस नहीं है। आप जगह जगह कार्यक्रम, अभी शायद 2 साल में रेवाड़ी आए हैं तो इस तरह से, और दूसरा जो स्कूलों के अंदर कमेटियाँ बनाई गई है कोई भी वर्किंग नहीं है ना, वहाँ पर जो एक पेटी डाली जाती है बच्चों, जो अपने बच्चे उस तरह की चीज़ें डाल सकते हैं, जो यौन शोषण को लेकर जो बनाई जाती है, उसकी कोई मॉनिटरिंग होती है नहीं होती है? आज ही हमने डीएसपी राज सिंह, हाँ डीएसपी कोसली से बात की, जय सिंह, उनसे बात की कि वो हर जगह पर वो पेटी रखते हैं अब दोबारा, और उसकी चाबी पुलिस के पास हो ताकि कोई बच्ची भी अगर डालती है तो मिसयूज़ ना हो, पुलिस उस पेटी को जाके हफ्ते के अंदर 10 दिन के अंदर एक टाइम बाउंड में वो देखे। और हमने आज उनके साथ डिस्कस किया कि मॉल्स के आसपास, ऐसे क्षेत्रों के आसपास जहाँ कामकाजी महिलाएं हैं, उन जगहों पर भी वो स्कूल कॉलेजेस के अलावा वो पेटी रखें ताकि कोई भी अपनी बात, और आप मीडिया के भाइयों के माध्यम से मैं निवेदन करूंगी कि इस मैसेज को हर न्यूज़ के बाद एक बार फ्लैश करें कि इस तरह की पेटियां जगह जगह पर रखी गई हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम हो वो अपना नाम, परेशानी और एड्रेस उसमें लिख कर दे। आपका नाम एड्रेस कुछ भी उजागर नहीं किया जाएगा, परंतु आपकी हेल्प की जाएगी। गर्ल्स स्कूल और कॉलेज की रहती है कि उसमें जो दुर्गा शक्ति थी हरियाणा पुलिस की वो रहती नहीं वहाँ पे, उस समय जब शुरुआत की थी तो था, लेकिन अभी कुछ भी नहीं। हमने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि बार बार दुर्गा शक्ति कम से कम स्कूल
स्टार्ट होने के टाइम स्कूल कॉलेजेस और छुट्टी के टाइम कम से कम वहाँ पर राउंड लगाए, जितनी दुर्गा शक्ति हैं वो उस हिसाब से, नहीं तो राइडर्स, नहीं तो सिविल यूनिफॉर्म में या यूनिफॉर्म में कुछ लोग वहाँ पर तैनात। कुछ कैफेज ऐसे चल रहे हैं शहर के अंदर भी जिसके अंदर स्कूली बच्चे भी जाते हैं, क्योंकि ओयो के अंदर आईडी लगती है लेकिन कैफेज के अंदर आज भी एंट्री नहीं है। ओयोज के अंदर भी आईडी का कोई यूज़ नहीं होता, छोटा बच्चा जो 15 साल का है, 14 साल की लड़की है, उसके आईडी का तो जो है वो तो गैर कानूनी है लेकर उनको एंट्री देना। तो इस तरह की जगहों पर पकड़ाई मजबूत की जाएगी, ये आज की चर्चा होगी। सुनेंगे, और कोई बच्चा शैतानी नहीं करेगा, पुलिस को बुलाओ, ये बच्चे शैतानी करेंगे, इनको ले जाना, ले जाए नहीं ना, चुप सुनना है बिल्कुल। अभी मैडम ने आपको बताया कि मानव तस्करी क्या होता है, पता है आपको मानव तस्करी? नहीं पता होगा, क्योंकि ये सारे टेक्निकल वर्ड्स है, मानव तस्करी और ये सारी बातें। बच्चा चोरी करना, बच्चे को भगा के ले जाना, बच्चे को आपसे चोरी करके दूसरी जगह बेच देना, इसको कहते हैं मानव तस्करी साधारण भाषा में। ये तो सबको समझ आया, बच्चा चोरी करना सबको समझ आया, या आप आगे बैठे हो? आया किसी का बच्चा चोरी होता है आपको दुख होता है? कौन कौन रोएगा अगर किसी का बच्चा आप चोरी करा दे? तेरा बच्चा चोरी कर ले ये वाला तो दुख होगा। तो ऐसे ही जिसका बच्चा चोरी हो जाता है या कोई उठा के ले जाता है या कोई पैसों की लालच में बेच देता है तुम्हारे से ले जाकर, वो माँ पूरा दिन कितना उदास होती है, रोती है, चाहे चार और बच्चे हो फिर भी उदास होते हैं ना हम। तो माँ से, बाप से, भाई बहनों से बच्चा उठाकर कोई ले जाएगा तो हमें कितना कष्ट होगा। अब अपने बच्चे को संभाल के कैसे रखना है? हम सारे काम पे जाते हैं, कोई लेबर का काम करता है, कोई आंगनवाड़ी का करता है, हमारे जैसे कोई दूसरे अलग अलग काम करते हैं, लेकिन हमारे बच्चे को कोई पीछे से ले ना जाए, हमारा बच्चा चोरी ना हो जाए, या हमारा बच्चा खुद किसी के बहकावे में आकर चला ना जाए, इस चीज का हमें ध्यान करना है। और वो ध्यान कैसे करेंगे? जब आपको पता होगा कि हमें क्या क्या ध्यान करना है तब आप अपने बच्चे को बता सकते हो। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। सब बच्चों को फोन चलाना आता है? आता है? हाथ खड़ा करो जिसको आता है। सब बच्चे हाथ खड़ा, आता है फोन चलाना? क्या देखते हो फोन में? तू जा शैतान लड़का, उठ जा, उठ उठ उठ। क्या देखता है फोन में? YouTube देखता है। YouTube में क्या देखता है? लाइक भी करती है। लो, तू YouTube में क्या देखता है भाई? ये मुश्किल से 6 साल का होगा। क्या देखता है YouTube में? लाइक करता है। मेरे को लाइक करेगा YouTube में देख के? ठीक है, आप मेरी फोटो ढूंढना। अच्छा।